हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। और अभी मैं 2-3 दिन से रेसिपीज ही डाल रही थी, कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। और फिर सोचा आज बना लूँ, लेकिन फिर याद आया कि जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद चढ़ाया जाता है, सोचा वो शेयर कर दूँ आप लोगों से, कि जिसको नहीं आता होगा उसके लिए आसानी हो जाएगी देख के बनाना। तो ये वीडियो आएगा मेरा जन्माष्टमी की सुबह ही, जब आप अभी इस समय देख रहे होंगे, ये आज के दिन आएगा, सुबह मैं डालूंगी, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको बनाना। शाम तक बनाए लेंगे, क्योंकि शाम तक बन जाता है आराम से, क्योंकि 3-4 बजे के टाइम पे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ईजी वे में बनाऊंगी मैं आपको, इसलिए आपको अभी से हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए बनाते हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए मैं इसमें ले रही हूँ किशमिश थोड़े, और ये खाने वाला गोंद है और बादाम है और थोड़े मखाने हैं, और आप चाहें तो इसमें काजू भी ले सकते हैं। और एक बड़ा कटोरा मैंने लिया है नारियल का पूरा, जिसको कस लें या फिर मिक्सी में कर लें छोटे छोटे पीस करके। फिर मैं पैन में डाल रही हूँ घी, इसमें हम लोग सब जो भी ड्राई फ्रूट हैं हमारे उनको फ्राई करेंगे, बस किशमिश को नहीं करेंगे। इसको अच्छे से होने दो, घी को कच्चे घी में नहीं डालना है। और आज मेरा नया पैन है तो इसका भी अच्छे दिन में उद्घाटन हो रहा है। और इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम, इसको अच्छे से भून लेना है इसमें, ताकि आप जब अभी इसको थोड़ा सा हम लोग इसको कूटेंगे ना, तो ये थोड़ा सा दरदरा कूट जाएगा, तो बड़ा अच्छा होता है, ये फटाफट से कूट जाते हैं, इसमें जो कच्चापन होता है वो भी निकल जाता है बादाम का। तो इसको ऐसे ही थोड़ा फ्राई कर लेना है, ऐसे ही हम और चीज़ें भी अभी फ्राई कर लेंगे। बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसको अलग से निकाल ले रही हूँ, फिर मैं और चीज़ें भी भूनती हूँ। इसमें ये डाला है मैंने खाने वाला गोंद, इसको और हेल्दी बनाने के लिए इस बार कुछ एक नया वो चीज़ डाली है मैंने इसको हेल्दी करने के लिए। और चाहे तो आप भी डाल सकते हैं, और चाहे तो इसमें एक धनिया वाली बनती है पजीरी, और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी भी डालते हैं लोग, अजवाइन भी डाल सकते हैं। पहले मैं वही वाली बनाती थी, इस बार थोड़ा सा अलग टाइप की बना रही हूँ मैं। प्रसाद तो प्रसाद होता है, कैसे भी बना लो आप। तो इसको भी जब इसमें से गोंद को भूनते समय जब चटकने की आवाज़ आ जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि ये भून चुका है। देखिए वाइट वाइट और फूलने लगा है, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन ड्राई फ्रूट्स वगैरह को जो भी होते हैं इनको भूनने में। तो ऐसे ही फटाफट इनको सबको, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा घी लेके भी उसमें फ्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, तो मैं इतने में ही इसको भून लूँगी, क्योंकि जो आगे मैं मखाना भूनूंगी, मखाने तो बिना उसके भी बिना घी के भी भून जाते हैं, लेकिन मेरी पैन में था घी लगा हुआ तो वो अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुरकुरा होना चाहिए सब, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आपके पास उनको कुरकुरा भुनना चाहिए, ताकि आप जब उनको क्रश करो ना तो अच्छे से हो जाए, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए करने में, थोड़ा सा भी इनमें फिर मॉइस्चर रह जाता है तो अच्छे से ये क्रश नहीं हो पाते हैं। बस ये हो चुके हैं, और अब मैं इनको इसमें, आपके पास अगर बड़ा वाला है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास छोटा वाला है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही इनको सारे जितने भी चीज़ें हमने भूनी है, बस किशमिश को नहीं भूनना होता है, इसको ऐसे ही डालना पड़ता है, तो ऐसे ही इनको कूट लेना है, इसमें दरदरा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, दरदरा वाला कूट लेना है। देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इनको, बहुत छोटा छोटा सा। तो सारे ही मैं ऐसी गोंद भी और मखाने भी सबको ऐसी क्रश कर लूँगी, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है इसको करने में, इनको कूटने में, क्योंकि भुने हुए हैं ना तो फटाफट हो जाते हैं, हमें लगता है कि टाइम लगेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये फटाफट हो जाता है। कि मैंने इनको क्रश किया, तब तक हमारा जो इसमें चीनी वाला जो इसको बखर बोलते हैं हमारे यहाँ, सिरप बोल लो जो भी बोल लो, ये बन गया है मेरा। और आपको जितना इसमें नारियल लेना है ना, उतना ही आप चीनी को अपने हिसाब से ले लें, और चीनी जितना लें उसका आधा आधा हमको पानी लेना है। तो ये बन चुका है, हाथ में चिपचिपा लग रहा है,
तो इतना ही हमको चाहिए इसको जमाने के लिए, इसको मिठाई बनाने के लिए, मिठाई है। तो उसके बाद मैंने दूसरे पैन में फटाफट से कर लिया है ये नारियल जो मैंने कसा था। और हाँ, नारियल आप मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको उसमें कसने में, कद्दूकस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो छोटे छोटे नारियल के पीस करें और ग्राइंडर में डाल दें, धीरे धीरे से चलाते रहें रोक रोक के, तो ये अच्छा सा हो जाता है। तो आधा इसमें मैंने ग्राइंड किया हुआ है मिक्सी में, आधा हाथ से किया हुआ है, तो बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा महीन भी नहीं होता है। तो आराम से इसको फटाफट भून लेना है 2-3 मिनट। फिर मैंने उसी पैन में क्या किया था, सारा जो हमारा सिरप बना था मीठा, तो वो डाल दिया है, और जितने भी ड्राई फ्रूट, नारियल, सब कुछ मेरा मिक्सर बना था पंजीरी का, वो मैंने सब इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमको गैस बंद कर देनी है, ना कि ऑन रखनी है, वरना जल सकता है या फिर ख़राब हो सकता है इस, क्योंकि गर्म है तो फटाफट इसी में हो जाता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट तो आता ही है, खुशबू भी आती है। और फिर हमको इसको जमाने के लिए एक प्लेट लेनी है, आपके पास जैसी हो वैसी ले लीजिए, उसमें घी लगा लेना है अच्छे से, ताकि इसको अच्छे से निकाल पाए हम बाद में। फिर मैंने इसमें सारा ये निकाल दिया, इसमें सारा अच्छे से निकाल लेना है और फिर अच्छे से इसको फैलाना है। ये देखिए, ऐसे इसको फैलाइए, जितना आपको मोटा चाहिए उतना फैलाइए, या फिर पतले 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 पीसेस चाहिए तो पतला पतला फैलाइए इसको। ऐसे मैं सारा इसको फैला लूँगी, फिर मैं आप इसको 10 मिनट ऐसे ही रेस्ट के लिए रखना है, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। और फिर इसको मैं कट कर लूँगी, ताकि जब ये जम के हम ये जम जाए ना अच्छे से रूम टेम्परेचर में, और वैसे भी यहाँ तो मौसम अच्छा है तो फ्रिज में रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो 10-15 मिनट हो चुके थे, मैंने सोचा इसके कट कर लूँ, ताकि बाद में जब जम जाए तो निकालने में आसानी हो मुझे पीसेस। फिर मैं दिखाऊँगी कि ये कैसा बना था मेरा। बहुत अच्छा बनता है, बहुत हेल्दी बनता है, और भगवान श्री कृष्ण को मैं हर साल यही चढ़ाती हूँ, पंजीरी का ही भोग लगाती हूँ मैं हर साल उनको। तो आपको मेरी ये पंजीरी वाली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर आपके यहाँ भी आज व्रत है या पूजा करने वाले हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं दिखाती हूँ ये कैसी बनी थी आपको। ये देखिए, ये जम के रेडी हो गई थी, फिर मैंने इसको कट करके ये ऐसे पीसेस में बनी थी,